हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर के सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको कवर कर लिया है। आपको याद रखना होगा कि अब तक जो हमने टॉपिक कवर किया है उस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका एंशियंट इंडिया को कवर करता है। और जो भी हमने केव्स के नाम, टेम्पल्स के नाम देखे हैं, कौन से रूलर ने पैटर्नाइज किया है, और लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जहां तक इस नेक्स्ट चैप्टर की बात है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या फिर मेडाइवल या फिर जो मॉडर्न इंडिया में आपका आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखा जाए तो उतने नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में। इसलिए इसको आप ऊपर ऊपर ही रिवाइज करो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऊपर के बाद याद रख लेने हैं, सो दैट एक बार रिकॉल करें तो याद आ जाए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम दोगे तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कहीं ना कहीं इसकी कम होगी। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से। नाम से पता चल रहा है इंडो इस्लामिक, तो इसका मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ इंडियन प्लस जो आपके इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स थे, दोनों का मिक्सर हो जाएगा। अब इस्लामिक रूल या इस्लामिक कल्चर यहाँ पे किस किस के इन्फ्लुएंस में आया, पर्शियन इन्फ्लुएंस रहा, अरब इन्फ्लुएंस रहा, किस इन्फ्लुएंस रहा, ये जो आप दिल्ली सल्तनत के रूलर देखते हो या फिर आपके जो मुगल रूलर्स हैं, ये सब बेसिकली आपके पर्शियन, अरबिक, तुर्की सब में से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली। इसलिए आपका जो आर्किटेक्चर डेवलप होगा मिडिवल इंडिया में, ये फ्यूजन होगा इंडियन प्लस इस्लामिक का, ठीक है। और क्या क्या चीजें, क्या क्या फीचर्स है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, इस्लामिक स्टाइल इनकॉर्पोरेटेड मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल। तो ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने इस्लामिक आर्किटेक्चर में डाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके स्टाइल हम लोगों ने डाले हैं, हमारे स्टाइल भी उन लोगों ने डाले हैं। जैसे डेकोरेटिव ब्रैकेट्स हो गए, बालकोनीज हो गए, पेंडेनेटिव डेकोरेशंस हो गए। लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि आपका हाँ जो इस्लामिक स्टाइल है उसमें ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल भी इनकॉर्पोरेट हुई है। आप देख सकते हो जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स है क्या क्या है, इससे तो आपको रटना ही होगा, है ना। वैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो किशोक्स, किशोक यानी कि जो छतरीज देखते हो आप आर्किटेक्चर के ऊपर, है ना, कोई आर्किटेक्चर है उसके ऊपर जो छतरीज है वो आपको देखने को मिलेगा। टॉल टावर्स, मीनार्स का कंसेप्ट आपने देखा है ना, कुतुब मीनार देखा, इनफैक्ट जो आपके मॉस्क होते हैं वो मीनार, मिनरेट्स आप देखते हो, ताजमहल वहां भी मीनार है ना। तो यस, टॉल टावर्स मीनार्स है ना, एंड हाफ डोम स्ट्रक्चर, डोम स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से होता है ना, मॉस्क में आप डोम स्ट्रक्चर देखते हो। जाली वर्क काफी इंपॉर्टेंट फीचर है ना, मुगल पीरियड में भी जाली वर्क काफी फ्लरिश हुआ था। कैलियोग्राफी, कैलियोग्राफी यानी कि डिजाइन से लिखना सो दैट आकर्षित लगे, है ना। पित्राडेरा टेक्निक, पित्राडेरा टेक्निक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है पित्राडेरा टेक्निक, और एक अरेबेस्क्यू पैटर्न वो भी देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक मेडिवल आर्ट की। आर्क एंड डोम मिल जाएंगे आपको, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक मॉस्क में आपको मिल जाएगा डोम एंड आर्क स्ट्रक्चर। मीनार इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोर्टार एज ए सीमेंटिंग एजेंट के रूप में यूज होते थे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ह्यूमन बींग्स का रिप्रेजेंटेशन आप नहीं देखोगे, आपके जो इंडियन टेम्पल्स है उसमें आपको जरूर आपके स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली आप देख लोगे जो इंडो इस्लामिक मेडिवल आर्ट है वहां पर आपका स्कल्पचर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बींग नहीं होते। एंड अवॉइडेड स्पेशियसनेस, मैसिवनेस एंड ब्रेथ, एंड जो डेकोरेशन होती थी वो जियोमेट्रिकल एंड अरेबेस्क्यू मेथड्स में ज्यादा होती थी, है ना। जियोमेट्रिकल यानी कि ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप, इन सब में ज्यादा डेकोरेशन होता था, क्योंकि ह्यूमन फिगर्स नहीं हो सकते थे, है ना, स्कल्पचर्स नहीं हो सकते थे। तो जो बचे वो है आपका कैलियोग्राफी, वो है आपका अरेबेस्क्यू पैटर्न, वो है आपका पित्राडेरा टेक्निक, वो है आपका जियोमेट्रिकल पैटर्न, ये सब ज्यादा यूज होते थे। और फिगर्स एंड एनिमल्स, जो फिगर्स होते थे वही हो गया आपका स्कल्पचर्स टाइप, जो फिगर्स है उसको डिस्करेज किया जाता था, है ना। इस्लामिक में तो आपको ही पता है कि फिगर्स को नहीं डिपिक्ट किए जाते हैं। एंड यूज ऑफ ज्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री फॉर ड्राइंग द ज्योमेट्रिकल पैटर्न, आप एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये फ्लावरिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक प्रकार से इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ये सब वॉल में डेकोरेट किए जाते थे, है ना। यूज ऑफ गेट्स इन द प्रीमिसेस इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट यार्ड, पूल्स एंड फाउंटेन्स, फाउंटेन्स यानी कि जो आपका झरना है वो भी कोर्ट यार्ड में हुआ करता था। और आप बहुत सारे जो मेडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर वहां पर ये मिल जाते। चार बाग स्टाइल, चार बाग स्टाइल कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर है पैलेस है, ये आपका लेफ्ट से सेंट्रल पैलेस है, चारों तरफ आपका बाग होगा यानी कि बगीचा होगा, ये आपका चार बाग स्टाइल, ठीक है। पित्राडेरा टेक्निक, पित्राडेरा टेक्निक कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वॉल है, ये वॉल है, यहाँ पर डिजाइन बनाया गया, फ्लावरिंग डिजाइन बनाया गया, लेट्स ऐसे डिजाइन बनाया गया, ठीक है। अब क्या होगा, पित्राडेरा टेक्निक में एक जो प्रीशियस स्टोन होगा जो चमकेंगी उसको यहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा, है ना। तो अटैचिंग द प्रीशियस स्टोन्स या जेम्स इनटू द फ्लावरिंग स्ट्रक्चर सो दैट जो वॉल है वो अट्रैक्टिव लगे, वो साइन करे, ये है आपका पित्राडेरा टेक्निक, है ना।
तो पेट्रा डेरा टेक्निक होते थे इन ले ऑफ प्रीशियस कलर्ड स्टोन्स एंड जेम्स इनटू द वॉल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर शैटनिंग टेक्निक। फॉर शैटनिंग टेक्निक का मतलब ये हुआ कि जो इंस्क्रिप्शन होंगे वो काफी नजदीक देखने में लगेंगे देन दे रियली आर, यानी एक प्रकार से 3D इफेक्ट कह सकते हो फॉर शैटनिंग टेक्निक में। एंड यूज ऑफ वाटर इन द प्रीमिसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वाटर का यूज इन द प्रीमिसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होता था। एंड आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रिप्लेस द ट्रेबियट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये पॉइंट आपको रट लेना है, ठीक है। आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रिप्लेस द ट्रेबियट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। अब ये है आपका अरेबेस्क्यू डिजाइन। अरेबेस्क्यू डिजाइन क्या है? सिंपली सबसे पहले आप इमेज देखो, ये देख रहे हो आप, ये जो फ्लावरिंग पैटर्न दिख रहा है आपको ये किसी वॉल में है आपका, ये आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये आप जो डिजाइन देख रहे हो, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आप डिजाइन देख रहे हो, यही सब है आपका अरेबेस्क्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। यही आपका अरेबेस्क्यू स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो वॉल होते थे आपके मेडिवल आर्किटेक्चर वाले, उनको काफी ज्यादा फ्लोरिस्टिक डिजाइन किया जाता था, ठीक है, जिसमें प्लांट के लीफ इस टाइप से दे दिए जाते थे या फिर उसके स्टीम्स दे दिए जाएंगे इस प्रकार के, सो दैट आपका अट्रैक्शन लगे वॉल में, ठीक है। इस प्रकार का जो है आपका ये आपका अरेबेस्क्यू स्टाइल हुआ करता था, ये बेसिकली आपका डेकोरेशन के लिए यूज होता था। आप यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से डिजाइन है ना, यहाँ पर फ्लावरिंग डिजाइन देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सब आपका अरेबेस्क्यू स्टाइल कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है ना। तो यही है आपका अरेबेस्क्यू स्टाइल जो यूज किए जाते थे मेडिवल इंडिया में फॉर आर्किटेक्चर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और जनरली प्लांट डिजाइन को बनाया जाता था, कर्वीलिनियर मोटिव होते थे, और यहाँ पर आप देखो कंटिन्यूअस स्टीम विद स्प्लिट्स रेगुलरली प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ काउंटर पॉइज, कहने का मतलब ये है कि लेट्स ये ब्रांच है किसी प्लांट की, तो इसको इस प्रकार से डिजाइन कर देना, है ना, दोनों तरफ आपको इक्वली लगेगा देखने में और ये आपको अट्रैक्टिव लगेगा। ये हमने इमेज में डिस्कस भी किया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो सब कुछ इमेज फिगर्स है ना, ये सब आपके अरेबेस्क्यू आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये आप देख लो सब आपका अरेबेस्क्यू स्ट्रक्चर, ये आप फ्लावरिंग पैटर्न देखो किस प्रकार से किया गया, और इसी में जब आपका जेम्स स्टोन्स लगा दिए जाएंगे तो ये आपका पित्रा ड्यूरा टेक्निक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, और अब बात करते हैं दिल्ली सुल्तनत पीरियड में क्या आपके आर्किटेक्चरल फीचर्स रहे। तो कहा जाता है सबसे पहली बात तो ये याद रखना है आपको दिल्ली सल्तनत का पीरियड कब रहा, 1206 से 1526, 1526 में आपको भी पता है बैटल ऑफ पानीपत होता है और अल्टीमेटली बाबर जो है वो लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत को हटाते हैं और अल्टीमेटली खुद गद्दी पर आते हैं एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल होता है। ये हमने डिस्कस किया था। टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुए, एक तो इंपीरियल स्टाइल, इंपीरियल स्टाइल यानी कि जो राजा रजवाड़े अपने ये बनवाते होंगे, ठीक है, जो रूलर्स पेट्रोनाइज करते होंगे। दूसरा प्रोविंशियल स्टाइल जो लोकल रूलर्स पेट्रोनाइज करते होंगे, ठीक है, चीफ्स पेट्रोनाइज करते होंगे। तो अब बात करते हैं हम कि इंपीरियल स्टाइल में जो डिफरेंट रूलर्स आए हैं दिल्ली सल्तनत में, आपको पता है बहुत सारे डायनेस्टी आए, सिलिप डायनेस्टी, खिलजी, ये सब आए हैं। तो इन सब के पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है आर्किटेक्चर में, तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो सिलिप डायनेस्टी पीरियड आपको पता है 1206 से लेकर 1290 यानी 1206 से 1290, और कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली इसके फाउंडर माने जाते हैं, आपको भी पता है। और चूंकि सिलेब डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, इसलिए जो आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ इनके द्वारा उसको ममलुक स्टाइल कहा जाता है, तो आप याद रख सकते हो, है ना। और एग्जांपल के तौर पर जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन है जो आप दिल्ली में देखते हो, स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 AD में, लेकिन कंप्लीट इसका किसने किया, इल्तुतमिश ने, ठीक है, तो ये याद रखना है। और फिफ्थ स्टोरी जो स्ट्रक्चर है कुतुब मीनार में, है ना, आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ स्टोरी स्ट्रक्चर किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें आप देख सकते हो तीन रूलर, तीन डायनेस्टी के इन्वॉल्व है। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने शुरू करवाया कंस्ट्रक्शन को, दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसके जो सक्सेसर रहे आपके इल्तुतमिश, तीसरा आपका जो फिरोज शाह तुगलक इन्होंने फिफ्थ स्टोरी का एडिशन करवाया, ठीक है, ये याद रखने आपको तीनों जो रूलर के नाम है। और स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कुतुब मीनार दिल्ली में। और फिर आपको ये याद रखना है कुवत उल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाया, ऐबक ने, डेट आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन कहा जाता है ये कुवत उल इस्लाम जो बनाया गया है मॉस्क, ये जो हिंदू एंड जैन टेम्पल्स को डिमोलिश करके जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए इस मॉस्क को बनाने में, ठीक है। और अनदर एग्जांपल जो आपको इस स्टाइल यानी कि आपका ममलुक स्टाइल के मिल जाएंगे वो है अलाउद्दीन का झोपड़ा, कहाँ है, अजमेर में। तो क्या याद रखना है, अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ, अजमेर में, ठीक है। एंड अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनवाया, ये रूलर का भी नाम याद रख लेना, वैसे इतना फैक्चुअल चीज अभी नहीं पूछते हैं इसमें, लेकिन पीएससी में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखना लोकेशन अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में। नेक्स्ट जो खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी देख लो आप 1290 से 1320, और ये आपका स्लेव डायनेस्टी को रिप्लेस करके आपका खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टाइल डेवलप हुआ कौन सा स्टाइल करेंगे, सेल्जुक स्टाइल, बस इतना याद रखना है आपको, सेल्जुक स्टाइल आपका
किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, खिलजी डायनेस्टी, क्या है ये आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है, प्रोमिनेंट फीचर देख लो। वैसे तो उतने ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रोमिनेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो ट्रू आंख है वो आपका पॉइंटेड हॉर्स शू शेप में होगा, ठीक है, पॉइंटेड हॉर्स शू शेप में ऐसे होता है ना, हॉर्स शू शेप आपने देखा होगा, है ना, तो आर्क जो है आपका पॉइंटेड हॉर्स शू शेप कैसे, और ब्रॉड डैम है रिसर्च आर्चेज अंडर द स्क्रीनेज, ये सब आप याद भी नहीं रख सकते, सिंपली कंफ्यूजन होगा, इसलिए आराम से आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बाकी इतने डिटेल से पूछे जाएंगे नहीं। परफोरेटेड विंडोज हो जाते हैं, परफोरेटेड विंडोज यानी कि एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो आपके विंडोज होते थे उसमें आपके होल हुआ करते थे, सो दैट आप आर पार देख सकते हो, यही तो है आपका परफोरेटेड विंडोज। इंस्क्रिप्शनल बैंड्स एंड रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ करता था, यूज ऑफ मोर्टार एज ए सीमेंटिंग एजेंट इन ऑल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो मोर्टार का इस्तेमाल एज ए सीमेंटिंग एजेंट यूज होता था। और आपको याद ये रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा जो कि गेटवे है वो बनवाया था टू द इंक्लोजर ऑफ कुवत उल इस्लाम मोस्क, है ना, तो कुवत उल इस्लाम मोस्क जो है उसका आपका गेटवे ऐड किया गया, दैट इज योर अलाई दरवाजा, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी ने श्री फोर्ट भी बनाया है, ठीक है, तो क्या बात याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, आपको स्ट्रक्चर के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो अलाई दरवाजा यस एंड श्री फोर्ट यस, अलाई दरवाजा आपका किसके इंक्लोजर में, कुवत उल इस्लाम मोस्क। नेक्स्ट इज योर तुगलक, तो आपको भी पता है खिलजी डायनेस्टी फिनिश होने के बाद आपका तुगलक आता है, ठीक है, और इन्होंने स्ट्रेंथ मजबूती पर ज्यादा फोकस किया रेदर डेकोरेशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर है आपका तुगलक का, स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस किया रेदर डेकोरेशन, और ग्रे सैंड स्टोन रेड स्टोन का इस्तेमाल ज्यादा होता था। तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ स्लोपिंग वॉल नॉन एज बत्तार, याद रखना स्लोपिंग वॉल का जो कंसेप्ट है इन द आर्किटेक्चर, ये आपका तुगलक डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस किया, सो दैट स्ट्रेंथ या नॉट डेकोरेशन स्ट्रेंथ मिले बिल्डिंग को, है ना, तो ये आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है, स्लोपिंग वॉल, इस प्रकार से स्लोपिंग वॉल होगा। आप इमेज देखो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये देख रहे हो स्लोपिंग वॉल है, ठीक है, यही आपका स्लोपिंग वॉल, स्लोप है वॉल में, इट इज नॉट कि 90 डिग्री, स्लोप है, यहाँ पर भी आप देख लो, ठीक है, तो ये आपका फीचर ऑफ स्लोपिंग वॉल है ना, ये आप देख लो, ठीक है, स्लोपिंग वॉल, तो होप ये क्लियर हो गई होगी। एंड इसमें बोथ और फीचर्स की बात करें तो देख सकते हो कंबाइंड बोथ आर्क एंड लिंटेल मैटर ऑफ इंट्रेंस डिजाइन, एंड घियासुद्दीन तुगलक, इन्होंने तुगलक का बाद बिल्ड किया, याद रखना है घियासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक नहीं, घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक का बाद जो सिटी है उसको बिल्ड किया, द थर्ड हिस्टोरिकल सिटी ऑफ दिल्ली, एंड टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक किसके द्वारा, बेसिकली जो रेड सैंडस्टोन में बनाए गए हैं, है ना, तो टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक बिल्ड ऑफ रेड सैंडस्टोन, इररेगुलर पेंटागन है इन इट्स एक्सटीरियर प्लान, एंड पॉइंटेड या फिर तार-तार शेप का है आपका क्राउन्ड बाय फिनियल, तो आप टॉम देख लो आपको समझ में आ जाएगा, उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल देख लो सिटी ऑफ जहांपनाह फिरोजाबाद, ये आपका तुगलक पीरियड में आपका डेवलप होता है, ठीक है, तो अब मूव करते हैं सैयद पीरियड में, और देख सकते हो सैयद पीरियड आपका टू शॉर्ट, यानी कि पीरियड आप देख लो 1414 से 1451 जो पीरियड है ओनली आई थिंक 40 इयर्स के आसपास, काफी कम पीरियड है, इसलिए इसमें आपका उतना ज्यादा आर्किटेक्चर फोकस नहीं हो पाया है ना, अनस्टेबिलिटी ज्यादा थी, दैट्स व्हाई, और जब अनस्टेबिलिटी रहेगी तो आप मान कर चलो आर्ट एंड कल्चर विकसित नहीं करेंगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है ना, इसीलिए आपका एलोबरेट बिल्डिंग्स नहीं बन पाए, लेकिन द ऑक्टागोनल टॉम्स ऑफ द टाइम पोजेस ए डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर कैरेक्टर, तो क्या याद रखना, ऑक्टागोनल टॉम्स, ऑक्टागोनल टॉम्स ये एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग फीचर्स कहीं ना कहीं सैयद पीरियड में रहा, एंड डेकोरेटिव फीचर्स ऑफ दिस टॉम्स, इसमें आपका ब्लू इनेमल्ड टाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू इनेमल्ड टाइल्स यूज किए जाते थे, इससे हुआ क्या कलर इफेक्ट अच्छी हो जाती थी, एंड लोटस मोटिफ जो टॉम को क्राउन करता था, एंड फ्रेश यूज ऑफ गुलदस्ता used in this period considerably influenced the style of subsequent period, तो क्या याद रखना है आपको सैयद पीरियड में, फ्री यूज ऑफ गुलदस्ता है ना इन द बिल्डिंग, ये याद रखना है, ठीक है, ये सैयद पीरियड, तो दो बातें, ऑक्टागोनल टॉम, दूसरा फ्री यूज ऑफ गुलदस्ता इन दिस पीरियड एंड इन्फ्लुएंस द स्टाइल ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड। नेक्स्ट इज योर लोधी स्टाइल, लोधी स्टाइल आप देख लो, ये आपका लास्ट डायनेस्टी है, उसके बाद तो मुगल रूल ही एस्टेब्लिश हो जाता है 1451 से 1526, और ये जरूर याद रखने हैं, ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूजन करेंगे आपको आपके ऑप्शंस में, तो यस ओनली टॉम्स वेयर कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, सिर्फ और सिर्फ टॉम्स ही कमीशन करी गई इस पीरियड में, और इतना ही नहीं, एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लोधी डायनेस्टी का डबल डोम फीचर, डबल डोम फीचर रट लेने हैं, डबल डोम फीचर मतलब समझ, एक तो डोम है ये ऐसे करके, ठीक है, एक और डोम है, ठीक है, डबल डोम फीचर, इस प्रकार से डबल डोम फीचर, यहाँ आप इमेज में देखो क्लियर हो जाएंगे, ये देखो है ना, एक तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक इसके ऊपर भी आप छोटा सा डोम स्ट्रक्चर देख रहे होगा, यही आपका डबल डोम, ठीक है,
तो ये याद रखनी है आपको। तो डबल डोम में स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक तो ऐसे जा ही रहा था और एक छोटा सा ऐसे करके दूसरा डोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, लोदी डायनेस्टी में इंट्रोडक्शन ऑफ डबल डोम्स इंपॉर्टेंट फीचर है। और जो डोम स्ट्रक्चर बनाए जाते थे ये दो प्रकार के थे इस पीरियड में, एंड दो बोथ हैव ग्रे ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट वॉल्स, है ना। तो ग्रे ग्रेनाइट वॉल्स हुआ करते थे, एंड जो पहला है यानी कि टू टाइप्स है ना, तो इसमें जो पहला है आपका ऑक्टागोनल इन डिजाइन हैविंग बरामदा, एंड जो दूसरा है स्क्वायर इन प्लेन, है ना। ऑक्टागोनल यानी कि इस प्रकार से आठ ऐसे होते हैं ना ऑक्टागोन, और दूसरा है आपका स्क्वायर पैटर्न ऐसे करके, ठीक है। तो दो स्टाइल यहाँ पर आप देखते हो, ऑक्टागोनल इन डिजाइन हैविंग बरामदा, एंड दूसरा है स्क्वायर इन प्लान हैविंग नो बरामदा। एंड टॉम बिल्ड ड्यूरिंग लोदी पीरियड वेर हार्ड एंड बेयर एंड लेविस डेकोरेशन वेर एब्सेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेकोरेशन थी वो मिनिमल होती थी, लेविस डेकोरेशन हुआ ही नहीं करती थी। एंड सिकंदर लोदी ने सिटी ऑफ आगरा को स्टैब्लिश किया, और इतना ही नहीं उन्होंने कैपिटल भी बनाया आपको आगरा को, एंड ही रिपेयर द कुतुब मीनार, ये भी याद रखने आपको, इन्होंने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। एंड अनदर एग्जाम्पल जो लोदी डायनेस्टी के है वो आपका लोदी गार्डन, तो क्या याद रखने, सिकंदर लोदी सिटी ऑफ आगरा एंड मेड हिज कैपिटल एज वेल, एंड ही रिपेयर कुतुब मीनार, बस। एंड लोदी गार्डन नाम से पता चल रहा है लोदी डायनेस्टी, ठीक है। अब सेवन सिटीज ऑफ दिल्ली जो उस समय मेडिवल इंडिया में काफी ज्यादा फेमस थी, किसने बनाई ये भी देख लो। किला राय पिथौरा किसने, राजपूत किंग ने। श्री फोर्ट आपने सुना होगा, हम हमने डिस्कस भी किया, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। जहांपाना किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने 14th century। फिरोजाबाद किसने, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली शेरशाही या शेरगढ़ किसने, शेरशाह सूरी, नाम से पता चल रहा है। शाहजहानाबाद किसने, नाम से पता चल रहा है शाहजहां। तो आप देख लो, किला राय पिथौरा, राजपूत किंग, श्री फोर्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद बाय गयासुद्दीन तुगलक, जहांपना बाय मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजाबाद बाय फिरोज तुगलक, एंड दिल्ली शेरशाही दैट इज शेरगिरी बाय शेरशाह सूरी, नाम से पता चल रहा है। शाहजहानाबाद नाम से पता चल रहा है। अब बात करते हैं प्रोविंशियल स्टाइल, जो आपके चीफ एशियंस या फिर लोकल रूलर्स बनाया करते थे, तो ये जाहिर सी बात है लोकलाइज्ड होगा, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन में। दैट्स वाई आपको लोकल नेम्स आएंगे, है ना। जैसे आपका बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो आपका बंगाल रीजन में, उसके बाद मलवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मलवा रीजन में, मध्य प्रदेश राजस्थान में, उसके बाद जौनपुर स्कूल, तो ये कुछ फेमस है डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट बात है, ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल यूज हुआ करती थी, ये डिस्टिंग फीचर है बस। और उसके बाद इसको बंगाल रूप इसलिए कहा जाता था बिकॉज आप देख सकते हो यानी कि द सो कॉल्ड बंगाल रूप विथ स्लोपिंग कॉर्निशेस विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बैम्बू कंस्ट्रक्शन, ये मुस्लिम्स के द्वारा अडॉप्ट किए गए, मुस्लिम रूलर्स के द्वारा अडॉप्ट किए गए, एंड लैटर ये स्प्रेड भी हुए इवन इन अदर रीजन, जैसे आपका कदम रसूल मॉस्क इन गौर बंगाल एंड अदीना मस्जिद एट पंदना बंगाल। आप कंफ्यूज मत होना, ये इतने डिटेल में पूछे नहीं जाएंगे, आते नहीं है क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आते नहीं है क्वेश्चन, है ना। मलवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, इसमें देख सकते हो डिफरेंट कलर स्टोन एंड मार्बल्स यूज होते थे, एब्सेंस ऑफ मीनार्स, ये आपका यूनिक फीचर है। तो देख लो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये हाईलाइट करने वाली बात है, एब्सेंस ऑफ मीनार्स वेर यूनिक फीचर, ठीक है, मलवा स्कूल वाले में। और इसको पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, और यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, इसको आपको याद रखना है, क्या ये इंडिजीनियस था, नहीं, यूरोपियन इन्फ्लुएंस था यहाँ पर। एनवायरमेंटल एडेप्टेशन भी था, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन यानी कि बड़े बड़े खिड़की दरवाजे, है ना, बॉलीज, लोकल मटेरियल यूज किए जाते थे, बेटर सिस्टम था, बेटर सिस्टम। एंड एग्जाम्पल आपको यहाँ याद रखने, बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखने, रानी रूपमती पवेलियन, है ना। और इतना ही नहीं, रानी रूपमती पवेलियन कहाँ है ये भी आपको याद रखने हैं, लोकेशन याद रखने हैं, अशरफ महल याद रखने, लोकेशन हिंडोला महल एंड जहाज महल, है ना, जहाज महल आई थिंक एमपी में है, है ना। और याद रखने ये सिर्फ इतना ही है, लेकिन आपको रानी रूपमती पवेलियन याद रखना है, लोकेशन कहाँ है, अशरफ महल इसका लोकेशन आप याद रख लो, जहाज महल का लोकेशन है हिंडोला महल। एंड नेक्स्ट जो जौनपुर स्कूल, जो आपका जौनपुर रीजन में डेवलप हुआ होगा जाहिर सी बात है, है ना, और ये शर्की रूलर्स के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया इसको, इसलिए इसको शर्की स्टाइल भी कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, अवॉइडेड द यूज ऑफ मीनार्स, है ना, अवॉइडेड द यूज ऑफ मीनार्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो मलबा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पर भी ऑप्शन ऑफ मीनार यूनिक फीचर है, उसी प्रकार से जौनपुर स्कूल में देख लो अवॉइडेड द यूज ऑफ मीनार, है ना। एंड एग्जाम्पल देख लो अताला मॉस्क जो कि जौनपुर में, अताला मॉस्क जौनपुर, तो याद रख सकते हो अताला मॉस्क जौनपुर में। नेक्स्ट अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत वाले इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थे वो कवर कर लिए हैं, नेक्स्ट मूव भी टू द मुगल पीरियड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अब देख लो मुगल पीरियड आर्किटेक्चर, जाहिर सी बात है ये आपका मुस्लिम रूल का कंटिन्यूएशन ही था, तो जो फीचर ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट कर रहे थे उस पर डेवलपमेंट और आगे बढ़ेंगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर है वो और ज्यादा इंप्रूव होंगी विद द अराइवल ऑफ मुगल, ठीक है। और लोदी पीरियड में बेसिकली डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि आपको ही पता है लोदी पीरियड डिस्टर्बेंसेस वाला पीरियड था, ठीक है। और
तो कहीं ना कहीं मुगल के आने के बाद जो आपका इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर वो रिवाइव हुआ, एंड अनलाइक दिल्ली सुल्तनत सुल्तान, मुगल ने मिक्स किया एंड मिंगल किया विद द लोकल पॉपुलेशन एंड राजपूत प्रोविंसेस। राजपूत आपको ही पता है काफी ज्यादा इंटीग्रेशन था मुगल्स के साथ, ठीक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उनका भी मिक्सिंग अप हुआ, कन्फ्लुएंस हुआ, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। अनलाइक दिल्ली सुल्तनत या दिल्ली सुल्तान रूलर्स, मुगल मिक्स एंड मिंगल विद द लोकल पॉपुलेशन एंड राजपूत प्रोविंसेस। अब बात करते हैं रूलर्स के बारे में, बाबर, तो देख सकते हो तो ये 4 साल ही रूल कर सके थे, 1526 से 1530, उसके बाद तो इनकी मृत्यु ही हो गई थी, और अधिकांशतर इन्होंने लड़े ही लगातार, आई थिंक 1526, 27, 28, 29, 4 वॉर इन्होंने बैक टू बैक लड़े भी थे, और हमने डिस्कस भी किया था बेसिकली अपने मेडिवल इंडिया लेक्चर सीरीज में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि गार्डन्स को ये बड़ा पसंद करते थे, इनफैक्ट मुगल जो है वो गार्डन को तो बड़ा पसंद करते ही करते थे, ठीक है। एंड एस्क्राइब टू हिम आर मोस्क ऑफ काबुली बाग एट पानीपत, जमा मस्जिद एट सांबल नियर दिल्ली। टॉम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो जो जनरल पैटर्न है टॉम आर्किटेक्चर का देख लो, डॉम चैम्बर हुआ करता था जिसको हुजरा कहा जाता है, डॉम चैम्बर है ना, डॉम चैम्बर। एंड सेनोटैप जो आपका डॉम चैम्बर के सेंटर में सेनोटैप होता था विथ ए मेहरब ऑन द वेस्टर्न वॉल, एंड जो आपका टॉम होता था उसके अंदर आपका रियल ग्रेव मिलता था, ठीक है। एंड जो मुगल है इन्होंने न्यू डायमेंशन भी ऐड किए, इंट्रोड्यूसिंग गार्डन्स ऑल अराउंड द टॉम, है ना, तो ये सब तो पहले चल ही रहे थे जनरल पैटर्न जो टॉम आर्किटेक्चर के दिल्ली सल्तनत में, एडिशन क्या हुआ मुगल पीरियड में, उन्होंने बेसिकली चारों तरफ से गार्डन ऐड कर दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं टू दिस जनरल टॉम आर्किटेक्चर दैट वेर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग, द मुगल्स एडेड ए न्यू डायमेंशन बाय इंट्रोड्यूसिंग गार्डन्स इन ऑल अराउंड द टॉम, एंड ऑल्सो द मुगल्स इंट्रोड्यूस द डबल डोम सिस्टम ऑफ डॉम आर्किटेक्चर एंड पित्रा देवराज स्टाइल ऑफ इनले डेकोरेशन। अब बात करते हैं हुमायूं एंड शुर इंटरेगम, तो आप देख सकते हो शुर मतलब शेरशाह सूरी बेसिकली, तो ये दोनों फोकस नहीं कर सके बिकॉज आपको ही पता है ये जो आपका हुमायूं था और शेरशाह सूरी था ये दोनों के बीच कंफ्लिक्ट था, बाद में हुमायूं रिप्लेस भी करता है, एक बार जब सूरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है तो इससे पहले हुमायूं भाग जाता है अल्टीमेटली, उसके बाद ये डिस्टर्बेंस का पीरियड था, इसलिए यहाँ पर आपका आर्किटेक्चर पर ज्यादा फोकस नहीं हो सका बिकॉज कॉन्स्टेंट कंफ्लिक्ट चल रहे थे शेरशाह सूरी के साथ। एंड बट देख सकते ही लेट द फाउंडेशन ऑफ ए सिटी, क्या नाम है सिटी का, दीनपना, तो दीनपना हुमायूं, एंड पर्सियन स्टाइल बिकम प्रोमिनेंट इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड, एंड हुमायूं स्टॉम फेमस है आपको भी पता है, एंड द फर्स्ट डिस्टिंक्ट एग्जांपल जो प्रॉपर मुगल आर्किटेक्चर के देखने को मिलते हैं वो आपका टॉम ऑफ हुमायूं है, दिल्ली में है, और किसके द्वारा बनाया गया, बिल्ट बाय हिज वाइफ दैट इज बेगा बेगम, है ना, तो ये फैक्ट याद रखने आपको इस पूरे डिटेल में, आपको ये याद रखने कि दीनपना किसके द्वारा बिल्ड किया गया सिटी, हुमायूं के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना आपको कि आपको फर्स्ट डिस्टिंक्ट एग्जांपल प्रॉपर मुगल आर्किटेक्चर का वो आपका हुमायूं टॉम में देखने को मिलता है जो कि आपका दिल्ली में है, बनाया किसके द्वारा है, बेगा बेगम। नेक्स्ट जो शेरशाह सूरी है ना, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच तो कॉन्फ्लिक्ट ही था, और जो सूरी पीरियड है मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम लोधी स्टाइल टू द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और बिल्डिंग जो शेरशाह सूरी ने बनाया याद रखना आपको यहाँ पर किला ए कुहना या फिर इसी को कहते हैं मॉस्क ऑफ द ओल्ड फोर्ट मॉस्क दिल्ली में, रोहतास फोर्ट जो कि पाकिस्तान में, तो इसके तो याद रखने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात यह है रिकंस्ट्रक्टेड एंड एक्सटेंडेड द ओल्ड मौर्यन रूट एंड उसको रीनेम किया सड़क ए आजम जिसको ग्रेट रेड रोड भी कहते हैं, और यही आज आपका जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना भी जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी का कंट्रीब्यूशन, याद रखें रोड कंस्ट्रक्शन काफी लंबा रोड, आई थिंक ये आपका पाकिस्तान से आई थिंक की ईस्ट इंडिया तक एक्सटेंड करता था, ठीक है। तो देख सकते हो आपका ओल्ड मौर्यन रूट को रिकंस्ट्रक्ट एंड एक्सटेंड किया और उसको नाम दिया गया सड़क ए आजम दैट इज ग्रेट रोड, एंड बाद में इसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा गया। एंड सूरी टॉम्ब जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है, कहां पर ये कंस्ट्रक्ट करी गई, हिज बर्थ प्लेस जो कि आपका सासाराम है ना, तो शेरशाह सूरी टॉम कहां पर है, दिल्ली में नहीं सासाराम में, सासाराम कहां है, बिहार में। नेक्स्ट जो अकबर, तो अकबर के बारे में, अकबर के जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर बनवाए गए हैं ये जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो अकबर आपको ही पता है जो रिलीजियस इंटीग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, और अकबर का जो सीट था गद्दी वो आगरा आपको ही पता है, एंड इनका जो आर्किटेक्चर है वो आपको हिंदू एंड इस्लामिक क्रिएशन का ब्लेंड रिफ्लेक्ट होगा, है ना, यानी कि इन्होंने जो आर्किटेक्चर बनवाया उसमें हिंदू फीचर्स और इस्लामिक फीचर्स भी मिल जाएंगे, है ना। और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल प्रिंसिपल फीचर था कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द अकबर रीजन, तो क्या अकबर के समय में रेड सैंडस्टोन को डिवॉइड किया जाता था, नहीं, इसको फेवर किया जाता था, है ना, प्रिंसिपल फीचर था यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ तुदोर आर्क दैट इज फोर सेंटर्ड आर्क, तो ये भी आपको याद रखना है, इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ तुदोर आर्क जो कि आपका फोर सेंटर्ड आर्क है,
ये तो आपको 100% याद रखने हैं। अकबर ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल ऑफ गोविंद देव कहाँ पर? वृंदावन में, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन प्रमोट किया जाता था, प्रिंसिपल फीचर ही था, कंस्ट्रक्शन में यूज होते थे। एंड यूज ऑफ तुदोर आर्क, ये आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया। एंड ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल ऑफ गोविंद देव इन वृंदावन। बात करते हैं आगरा फोर्ट की। तो जो आपका आगरा फोर्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन आपका अकबर के समय में शुरू होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन दिस फोर्ट, ये आपका शाहजहां के पीरियड में कंप्लीट होता है। और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो शाहजहां ने बनवाए, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, ठीक है। रट लेने, जहांगीर महल जहांगीर ने नहीं बल्कि शाहजहां ने बनवाए, ठीक है। तो मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल और चार बाग स्टाइल गार्डन यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। चार बाग के बारे में हमने बात किया पहले से, यहाँ पर आपको चारों तरफ बाग देखने को मिलेंगे। एंड नाउ वी मूव टू द फतेहपुर सिकरी विच वॉज न्यू कैपिटल ऑफ अकबर। तो आप देख लो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलते हैं, प्रोमिनेंट बिल्डिंग जो आपको फतेहपुर में सिकरी में मिल जाएंगे। आप देख सकते हो फतेहपुर सिकरी रिच इन आर्किटेक्चरल फीचर्स। बुलंद दरवाजे आपको मिल जाएंगे, रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है 1576 एडी में। किस लिए? टू कमेमोरेट, टू सेलिब्रेट द अकबर विक्ट्री ओवर गुजरात। इसको रट लेना, बुलंद दरवाजा रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर है 1576 में। किस लिए? टू कमेमोरेट द अकबर विक्ट्री ओवर गुजरात। और हाईएस्ट गेटवे है वर्ल्ड का, पंचमहल, नाम से पता चला, पंचमहल, फाइव स्टोरेड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉलम्स। एंड ये इंस्पायर्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ, बाय द कंसेप्ट व्हाट दिया नहीं है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है यहाँ पे पंचमहल आपका फतेहपुर सिकरी में मिल जाएगा, और नाम से पता चला फाइव स्टोरेज स्ट्रक्चर है। इबादत खाना, और इबादत खाना में बेसिकली अकबर मीट करते थे लीडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स जो हुआ करते थे, सो दैट डिस्कशन हो, है ना। अकबर तो फेमस है आपका रिलीजियस डिस्कशन के को लेकर, है ना। तो इबादत खाना में द प्लेस ऑफ हैविंग द डिस्कशन ओवर द रिलीजियस मैटर, है ना। डिफरेंट रिलीजन्स के जो जानकार थे वो बैठते थे, डिस्कशन करते थे, है ना। तो ये आपका इबादत खाना। एंड हिरन मीनार, ये आपका बनाया गया इन द मेमोरी ऑफ अकबर फेवरेट एलिफेंट नेम्ड हिरन। और ये आपका लाइट हाउस के रूप में भी वर्क करता था, पोर्टर वाला लाइट हाउस, मतलब समझ रहे ना, जो आपको जानकारी दे, जैसे आपका शिप्स के लिए लाइट हाउसेस का शब्द इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से लाइट हाउस फॉर ट्रेवलर्स उसको असिस्ट करते थे, है ना। एंड शालीम चिश्ती तोम फतेहपुर सिकरी में ही है, ठीक है, 1581 एडी में, लाटर फर्दर डेकोरेटेड बाय जहांगीर इन 1606 एडी। एंड जोधाबाई पैलेस, तो जोधाबाई पैलेस ये भी आप देख सकते हो। तो ये सब के सब आपको फतेहपुर सिकरी में मिल जाएंगे। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है, कहीं इसमें भी कंफ्यूजन ना हो जाना, फतेहपुर सिकरी आपका यूपी में है, ठीक है। और प्रोमिनेंट बिल्डिंग आपको याद रखने, बुलंद दरवाजा, और फिर आपका पंचमहल, इबादत खाना, हिरन मीनार, किसके द्वारा, समझ में आ रहे हैं, इन द मेमोरी ऑफ अकबर फेवरेट एलिफेंट नेम्ड हिरन। एंड सलीम चिश्ती टॉप फतेहपुर सिकरी, जोधाबाई पैलेस फतेहपुर सिकरी, ऑल आर इन यूपी। नेक्स्ट इज योर जहांगीर। तो जहांगीर आपको भी पता है पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, और बेसिकली है ना, तो जहांगीर जब भी नाम आएगा पेंटिंग्स पर याद रखना है आपको, ठीक है। और इन्होंने पितरा देवरा टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया, याद रखना है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंट्रोड्यूस द पितरा देवरा टेक्निक इन्हीं के रीजन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पितरा देवरा टेक्निक के बारे में हमने बताया, डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन, और उसके बीच में आपको प्रीशियस स्टोन्स लगा दिए जाते थे सो दैट वो शाइन करे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पितरा देवरा टेक्निक स्टार्टेड इन हिज रीजन ओनली। तो ये आपको कंफर्म डिटेल याद रखने, कंफ्यूजन नहीं। और जहांगीर ने शालीमार बाग कश्मीर में बिल्ट करवाया, मोती मस्जिद एट लाहौर में बिल्ट करवाया, है ना। ऑल्सो आपका अकबर का टॉम सिकंदरा में, जो कि आपका आगरा के पास है, वहां पर बिल्ट करवाया। एंड ये कंप्लीट हुआ 1613 में। और इनकी जो वाइफ है ना, इन्होंने टॉम ऑफ इतमद उद्दौला, जो कि उनके पिताश्री थे, वो बनवाए। और इसके जो फर्स्ट मुगल वर्क है मेड कम्प्लीटली ऑफ व्हाइट मार्बल, ठीक है। तो ठीक है, हिज वाइफ कंस्ट्रक्टेड अ टॉम ऑफ इतमदुल्ला, और ये इतमदुल्ला बेसिकली उनके पिताश्री थे। तो ये जहांगीर के बारे में डिस्कस कर लिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, पितरा डेरा टेक्निक स्टार्टेड इन हिज रीजन ओनली। एंड आपका शालीमार बाग कश्मीर में इन्होंने बनवाए, मोती मस्जिद एट लाहौर इन्होंने बनवाए, और पेंटिंग्स के तो दीवाने थे जहांगीर, ये हमने डिस्कस किया। शाहजहां की बात करते हैं, इरेक्टेड द मोस्ट रोमांटिक बिल्डिंग, ये तो कौन नहीं जानता, है ना। तो इरेक्टेड द मोस्ट रोमांटिक बिल्डिंग ताजमहल, द टॉम ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। एंड इंपॉर्टेंट बात ये रटना है, इस फैक्ट को याद रखना, यहाँ ऑल स्टेटमेंट है फिर भी आपको सही मारने, क्योंकि ऑल द फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर आपको ताजमहल में मिल जाएंगे, ये आपको फैक्ट याद रखने, ठीक है, गलत नहीं करनी। ऑल फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर प्रेजेंट इन ताजमहल। एंड शाहजहां ने रेड फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया, जामा मस्जिद दिल्ली में वो कंस्ट्रक्ट करवाया, शालीमार बाग इन लाहौर ये कंस्ट्रक्ट करवाया, याद ये रखना है, शालीमार बाग इन कश्मीर
ये जहांगीर ने, लेकिन शालीमार बाग इन लाहौर ये आपका शाहजहां ने, एंड सिटी ऑफ शाहजहानाबाद ये तो नाम से ही पता चल रहा है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ पीकॉक थॉर इन्हीं के समय काल में शुरू हुआ था। टॉम्ब ऑफ जहांगीर ये कंस्ट्रक्ट करी गई थी बाई हिज सन, दैट इज शाहजहां एट लाहौर, है ना। तो जहांगीर का टॉम्ब या फिर जहांगीर टॉम्ब कहते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाई हिज सन, दैट इज शाहजहां एट लाहौर। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब आपको पता है मोस्ट डेंजरस रूलर माने जाते हैं आपका मुगल एम्पायर में, और जाहिर सी बात है तो ये लड़ाई झगड़े पर ज्यादा फोकस करते थे, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर उतना आपका डेवलप नहीं हो पाया, एंड मुगल आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। ये फैक्ट आपको 190% याद रखने, मुगल आर्किटेक्चर डिक्लाइन हुआ है औरंगजेब के पीरियड में। फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते हैं, जैसे बीबी का मकबरा, टॉम ऑफ हिज वाइफ बेगम रबिया दुरानी, लेकिन कहा जाता है ये पुअर रेप्लिका है ताजमहल का, है ना, ताजमहल का कॉपी नहीं हो सका। तो ये हमने देखा आपका दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूलर्स के जो आपके आर्किटेक्चर बनाए उसके फीचर्स को। अब बात करते हैं मेडाइवल आर्किटेक्चर स्टाइल्स एंड जो आपको अदर देन इंडो इस्लामिक स्टाइल देखने को मिलेगा, जैसे आपका राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल, ये भी आपका डेवलप होगा। राजपूत आपका कहाँ पर, आपका राजस्थान वाले रीजन में, है ना। फिर अवध आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलेंगे, उसके बाद कश्मीर स्टाइल। तो ये सब आपका रीजनलाइज्ड स्टाइल्स हैं जो आपको डिफरेंट रीजन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रीजन बेसिस पर डिमार्केशन है ये। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल क्या फीचर है। तो पहली बात तो याद रखना, इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल आर्किटेक्चर, तो क्या ये कंप्लीटली इंडिजीनियस स्टाइल था, नहीं, मुगल आर्किटेक्चर से ये इन्फ्लुएंस था। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, हैंगिंग बालकनी, है ना, जरो का हैंगिंग बालकनी, है ना। तो हैंगिंग बालकनी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। एंड राजपूत पैलेसेस जो आपको जैसलमेर में मिल जाएंगे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा पैलेसेस, यहाँ सब मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पैलेस आपको देखने को मिलेगा मन मंदिर, ठीक है, मन मंदिर इंपॉर्टेंट पैलेस आपको देखने को मिलेगा, और ये लार्जेस्ट पैलेस है ग्वालियर में, ठीक है। किसने बनाया, राजा मान सिंह तोमर ने, ठीक है। तो क्या याद रखना है, मन मंदिर लार्जेस्ट पैलेस इन ग्वालियर और राजा मान सिंह तोमर ने बनाया, ठीक है। जयपुर ये अभी न्यूज में था, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, आपको पता है ना, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला है ना। तो जयपुर सिटी किसके द्वारा, जय सिंह के द्वारा, और ये आपका सिंथेसिस है राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चर का। तो क्या जयपुर सिटी जो बनाई गई है, जयपुर आर्किटेक्चर जो बिल्ड किया गया है, इसमें मुगल का इन्फ्लुएंस है क्या, हाँ है ना, सिंथेसिस ऑफ राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल। एंड ये जो आपका जयपुर सिटी है, इट इज इनक्लोज्ड बाय वॉल एंड हिज बेस्टियंस एंड टावर्स एट रेगुलर इंटरवल। और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स आपको जो जयपुर में मिल जाएंगे, हवा महल मिल जाएंगे, जंतर मंतर मिल जाएगा, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ फाइव ऑब्जर्वेटरीज जो जय सिंह टू ने बनाया था इन द अर्ली 18th सेंचुरी। एंड अदर कौन से हैं, अदर चार, तो एक तो उज्जैन में बनाया गया था ऑब्जर्वेटरीज, और दूसरा मथुरा में, वाराणसी में, और न्यू दिल्ली में, और पांचवा है आपका जंतर मंतर, है ना, द लार्जेस्ट ऑफ फाइव ऑब्जर्वेटरीज बिल्ट बाय जय सिंह टू इन द अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द अवध आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो अवध आर्किटेक्चरल स्टाइल में क्या देखने को मिलेगा, ये जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है, डेवलप्ड अराउंड अवध अंडर द पैट्रोनेज ऑफ नवाब ऑफ अवध। एंड बारा इमाम बारा ये नवाब के द्वारा बिल्ड किया गया 1784 में। एंड यहाँ पर पिलर्स नहीं देखने को मिलेगा इन द मेन हॉल, ये याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल और सिमेट्रिकल इन डिजाइन होंगे, और एब्सेंस ऑफ पिलर्स इन द मेन हॉल, ये याद रख सकते हो तो ठीक है ना। एंड चतुर्मंजिल, चतुर्मंजिल की बात करें तो इट इज मेन अट्रैक्शंस, अंडरग्राउंड रूम्स देखने को मिलते हैं, ब्यूटीफुल डॉम विच इज सराउंडेड बाय गिल्ट अम्ब्रेला, रूमी दरवाजा लखनऊ में है, और ये 1784 में बनाया गया है, ठीक है। ये सब आपके अवध वाले रीजन यूपी में मिल जाएंगे, ठीक है, बारा इमाम बारा, चतुर्मंजिल एंड आपका रूमी दरवाजा। एंड अब बात करते हैं कश्मीर स्टाइल, नाम से पता चल रहा है कहाँ पर, कश्मीर रीजन में, ठीक है। यहाँ पर आपको वुड वर्क ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना, वुड वर्क, बिकॉज कश्मीर रीजन आपका वेट प्लेस होता है, वेट नहीं मतलब कूल प्लेस होता है, तो वुड वर्क वहां ज्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं, ठीक है। एंड देख सकते हो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी देख लो कि ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस होता है, कश्मीर रीजन में अर्थक्वेक सब ज्यादा आते हैं, तो ये भी एक आपका वे है कि अर्थक्वेक के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, है ना। और कश्मीर स्टाइल में आप देख लो टाइपिफाइड बाय द यूज ऑफ वुड वर्क, और जो कश्मीरी आर्किटेक्चर है ये आपका दो फेजेस में डेवलप होते हैं, एक तो अर्ली मेडिवल हिंदू फेज एंड 14th सेंचुरी के बाद आपका मुस्लिम रूल, है ना। तो हिंदू फेज में क्या क्या फीचर्स डेवलप हुए देख सकते हो, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे ट्री फॉल आर्चेज, ये ट्री फॉल आर्चेज आपका गांधरा इन्फ्लुएंस है, ट्री फॉल आर्चेज को आप यहाँ देख लो, थोड़ा इमेज में क्लियर हो जाएगी, ये देख लो, है ना, ये ट्री फॉल आर्चेज टाइप में सेप ऐसे रहते हैं ट्री फॉल आर्चेज के, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमने देख लिया, लेट्स मूव
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, ट्रिप वॉल आर्चेज, गांधारा इन्फ्लुएंस, सेलुलर लेआउट एंड इनक्लोज्ड कोर्ट वार्ड देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट एज पिरामिडल रूफ, कॉलम वॉल्स, ट्रायंगुलर पेडिमेंट्स, ये सब आपका ग्रीक इन्फ्लुएंस, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन आपको ही पता है नॉर्थ वेस्ट रीजन में एसोसिएटेड है ना, तो वहाँ आपका इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक जरूर देखने को मिलते हैं। और ये आपको याद रखना, मार्टंड शन टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट करी गई करकोटा डायनेस्टी के अंतर्गत एंड उत्पला डायनेस्टी के अंतर्गत, और ये आपका जो मार्तंड सन टेम्पल बनाया गया है, इज इन्फ्लुएंस बाय गांधारा चाइनीज एंड गुप्ता स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अदर टेम्पल्स जो मिल जाएंगे आपको, टेम्पल एट अवंतीपुरा, पंद्रेथन टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड ममलेश्वरा शिवा टेम्पल। इस्लामिक फेज में क्या डेवलपमेंट हुआ देख सकते हो, लॉग कंस्ट्रक्शन यूजिंग देवदार ट्रीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन ब्रिजेस जिसको कडल्स कहते थे, या फिर वुडन श्राइन्स जिसको जियारत्स कहते थे। ठीक है, याद रखना वुडन श्राइन्स यहाँ पर आपका जियारत्स को रेफर किया जाता है। एंड मोस्क ऑफ शाह हमदान श्रीनगर में एंड जमा मस्जिद श्रीनगर में जो बनाया गया सिकंदर बुद्ध सिकन के द्वारा, ये एग्जाम्पल है आपके वुडन आर्किटेक्चर को। बस ये याद रखना है आपको, पहली बात तो ये कि शाह हमदान एंड जमा महजूद दोनों आपका श्रीनगर में है, किसके द्वारा, सिकंदर बुद्ध सिकन के द्वारा, और ये वुडन आर्किटेक्चर के एग्जांपल है। ठीक है, गार्डन की बात करें तो यहाँ पर चार बाग स्टाइल मिलते थे, वाटर स्ट्रीम्स होते थे, फाउंटेन ट्रीज मिल जाएंगे, शालीमार बाग जो जहांगीर के द्वारा बनाया गया कश्मीर में 1619 में हमने देखा, निषाद बाग यही मिल जाएंगे आपको, एंड बादाम वरी गार्डन श्रीनगर में मिल जाएंगे। परिमहल ये आपका मुगल प्रिंस दारा शिकोह के द्वारा बनाया गया था 17वीं सेंचुरी में, इस फैक्ट को याद रखना। ठीक है, परिमहल मुगल प्रिंस दारा शिकोह 17वीं सेंचुरी। नेक्स्ट इज योर सिख आर्किटेक्चर स्टाइल, तो सिख आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो इट इज इन्फ्लुएंस बाय द मुगल स्टाइल एंड राजपूत स्टाइल। तो सिख स्टाइल में भी आपका मुगल और राजपूत का इन्फ्लुएंस है। फीचर देख लो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ छतरीज, किशॉक्स, फ्लूटेड डोम मिलेंगे है ना, एंड जनरली कवर विद कॉपर और ब्रास गिल्ट एंड एनरिचमेंट ऑफ आर्चेज न्यूमरस फोलिएशन के माध्यम से, नोटेबल एग्जाम्पल गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। ठीक है, डकन स्टाइल आर्किटेक्चर में देख लो, डकन स्टाइल मतलब साउथ इंडिया की तरफ चलने लगो आप है ना, तो यहाँ पर आपका जो आर्किटेक्चुरल डेवलपमेंट है यहाँ पर 1347 के दौरान से शुरू होने लगा, जब अलाउद्दीन बहमन शाह, ये फाउंडर ऑफ बहमन डायनेस्टी है ना, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया गुलबर्ग फोर्ट को एंड जमा मस्जिद एट गुलबर्ग। एंड सेकेंड फेज की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अहमद शाह, 1422 से 1436 का पीरियड है, जिसमें आपका बिदार फोर्ट आ गया, महमूद गवंस मदरसा आ गया एंड अली बरीद टॉम आ गए। अब बात करते हैं बीजापुर स्कूल दैट इज कर्नाटका है ना, तो डक्कन स्टाइल आर्किटेक्चर है, क्या फीचर्स है देख सकते हो, तो ये जो आपका बीजापुर स्कूल है ये डेवलप हुआ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ आदिल शाह, और आदिल शाह आपको भी पता है मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर रहा है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो इन्होंने बनाए गोल गुंबज का। आदिल शाह आप हमें बताओ कि आपके किसके रूलर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रूलर है बेसिकली एक डायनेस्टी का है ना, क्या विजयनगरा था, क्या आपका बहमनी था, कौन था, आपको हाईलाइट हो रहे होंगे बहमनी है ना, तो डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ आदिल शाह, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो आपका रहा है वो है गोल गुंबज। तो गोल गुंबज कहाँ पर है, बीजापुर में, और किसने बनाया, आदिल शाह ने, बेसिकली मॉसोलियम है मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, और ये आपका ये रट लेना है, लार्जेस्ट डोम क्यूबिकल इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट डोम क्यूबिकल इन द वर्ल्ड और इट्स अंडरग्राउंड वॉल्ट, इसमें आपका स्क्वायर ग्रेव चेंबर मिलते हैं, लार्ज सिंगिंग स्क्वायर चेंबर विच इज अबव द ग्राउंड, एंड प्रोमिनेंट फीचर आप देख लो यहाँ पर लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम हुआ करता था एंड 7-storied octagonal towers on its corner। ठीक है, तो इतना जाने हैं, लेट्स मूव, एक इमेज देख लेते हैं आप गोल गुंबज का, इमेज देखो यहाँ पर, ये आपका गोल गुंबज बीजापुर में, बीजापुर कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये आपका देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, एंड नाउ वी मूव टू द मॉडर्न इंडिया में जो आपका कॉलोनियल रूल रहा, दैट इज योर ब्रिटिश रूल, यहाँ पर आपका क्या आर्किटेक्चरल फीचर डेवलप हुए ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके यूरोपियन रूलर्स, यूरोपियन कॉलोनिस्ट आएंगे, जैसे पुर्तगीज आएंगे, फ्रेंच आएंगे, इंग्लिश आएंगे, तो इन सबों ने भी तो कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, तो इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगीज स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉलोनियल पीरियड जो आपका रहा है यूरोपियंस का, सबसे पहले इंडिया में कौन आया, पुर्तगीज आया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनने की संभावना है कि क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है कि पुर्तगीज, उसके बाद आपका कौन है ना, उसके बाद आपका कौन, ये आपका तीन या चार नाम आपको पता होने चाहिए, पुर्तगीज के बाद कौन, उसके बाद कौन, ये तीन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, और पुर्तगीज स्टाइल की बात करें तो यहाँ आपको इवेरियन गैलरीड पैशियो हाउस एंड बैरोक चर्चेज ऑफ गोवा, ये स्टाइल आपका एडॉप्ट किया गया, क्यों, बिकॉज क्लाइमेटिकली अप्रोप्रिएट जो यहाँ सूट करेगा वो स्टाइल को अडॉप्ट किया गया, और पुर्तगीज ने ब्रिक्स
का इस्तेमाल किया है द मेन बिल्डिंग मटेरियल अलोंग विद वुडन रूफ एंड स्टेयर्स। एग्जाम्पल देख लो, बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस एंड सेंट कैथेड्रल इन गोवा, कैस्टिला दे एगुडा इन मुंबई एंड सेंट पॉल्स चर्च जो दीव में है। फ्रेंच स्टाइल की बात करें तो यहाँ आपको डिस्टिंक्ट अर्बन डिजाइन देखने को मिलेगा बाय अप्लाइंग द कार्टिशियन ग्रिड प्लान्स एंड क्लासिकल आर्किटेक्चरल प्लान्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, बस में क्वेश्चन भी यहाँ से कम बनते हैं जहां तक आपका आर्किटेक्चर की बात है। ठीक है, तो जब आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज करोगे तो इन सबको आप स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ जो ब्लैक कलर में हाईलाइटेड पोर्शन है वो आप याद रख के आप जा सकते हो रिवाइज करके। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम देने का मतलब है आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो, चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस जो कि पुडुचेरी में है एंड सेक्रेड हार्ट चर्च ऑफ चंदन नगर। अब बात करते हैं ब्रिटिश स्टाइल की, तो ब्रिटिश ने वेरियस आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो किया, गोथिक, इंपीरियल, क्रिश्चियन, इंग्लिश रेनेसा, विक्टोरियन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने रेड सैंडस्टोन एज वेल एज कोर्स लाइमस्टोन का यूज किया एज द मेन बिल्डिंग मटेरियल। एंड कुछ एग्जाम्पल देख लो, चर्च ऑफ संत जॉन एट कलकत्ता, संत मैरी चर्च फोर्थ संत जॉर्ज के चेन्नई में है आपका, लॉ कोर्स में इस्तेमाल किया जाता था, प्रेसिडेंसी कॉलेज, सीनेट हाउस ऑफ चेन्नई, और ये सब आपके यूज किए गए है ना। तो न्यू दिल्ली विच इज सिस्टमेटिकली प्लांट सिटी, और ये आपका तैयार किया जब आपको न्यू दिल्ली कैपिटल घोषित किया गया था अंग्रेज के द्वारा 1911 में, है ना। और उस समय आपका कौन वायसराय था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कोलकाता में, क्या फीचर है, किसने बनाया, किसने डिजाइन किया, विलियम इमर्सन ने लेट 19th सेंचुरी में, किसके मेमोरी में, क्वीन विक्टोरिया के मेमोरी में, एंड इट ड्रो एलिमेंट्स फ्रॉम द इंडिजीनियस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये फ्यूजन है आपका इंडो इस्लामिक एंड इंडिजीनियस एलिमेंट का, एंड इसमें आपको गोथिक रिवाइवल एंड न्यू क्लासिकल स्टाइल दोनों मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रिवाइवल ऑफ दिल्ली। पहली बात तो ये कि 1911 में आपको पता है कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया गया। ठीक है, एंड सर एडवर्ड ल्यूटेंस ये कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ओवरऑल प्लान ऑफ दिल्ली जो आप देखते हो अभी प्रेजेंट डे मॉडल जो अंग्रेज ने जब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया था तब। एंड ही कंस्ट्रक्टेड इंडिया गेट एंड राष्ट्रपति भवन एज वेल एंड वाइस रिगल पैलेस अपीयर्ड विद व्यूज डोम ऑन द लाइंस ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा एंड रिप्रेजेंट सम एलिमेंट्स ऑफ हिंदू ऑर्नामेंटेशन एंड इस्लामिक सिमेट्री। एंड जो देख लो आप हर्बर्ट बैकर इन्होंने साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक एड किया विच फ्लैंक द राष्ट्रपति भवन, ये आपने सुना होगा राष्ट्रपति भवन जो साउथ ब्लॉक है नॉर्थ ब्लॉक है, तो ये नाम याद रख सकते हो हर्बर्ट बैकर विच एज द साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक विच फ्लैंक द राष्ट्रपति भवन। एंड फिर देख सकते हो इंग्लिश मैन रॉबर्ट टॉटशेल इन्होंने कनॉट प्लेस बनाया, तो ये याद रख लो वैसे इतना रीजनल लेवल पर नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन। बात करते हैं इंडो गोथिक स्टाइल के क्या फीचर है, तो इंडो गोथिक स्टाइल को इंडो सार्सेनिक स्टाइल कहते हैं, तो पहली बात तो यही याद रखना है और ये जरूर याद रखना है इट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंडियन पर्शियन एंड गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, एग्जांपल कहां देखने को मिलते हैं हाइब्रिड स्टाइल के, दैट इज योर इंडो गोथिक स्टाइल के, तो सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। फीचर्स क्या होते हैं इस इंडो गोथिक स्टाइल के, एलिबोरेट एंड लार्ज कंस्ट्रक्शन होगा, वॉल थिनर होगा, थिकर नहीं थिनर वॉल, ये फीचर है, पॉइंटेड आर्चेज होंगे, लार्ज विंडोज होंगे एंड क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान होगा चर्चेज का। ठीक है, न्यू रोमन स्टाइल की बात करें तो देख लो पोस्ट 1911 कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश हुआ का न्यू रोमन स्टाइल में आया, इसको न्यू क्लासिकल स्टाइल भी कहते हैं। आर्किटेक्ट की बात करें तो इरविन ल्यूटेन एंड हर्बर्ट बैकर ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट रहे हैं यहाँ पर, और एग्जांपल के तौर पर राष्ट्रपति भवन, न्यू रोमन स्टाइल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आप देखते हो। एंड जब हम बात करते हैं लेक कॉर्बुशियर की, तो ये फ्रेंच आर्किटेक्ट थे और इन्होंने सिटी ऑफ चंडीगढ़ को डिजाइन किया ऑन द पैटर्न ऑफ वेल ऑर्डर्ड मैट्रिक्स। तो ये हमने आज कंप्लीट जो आर्किटेक्चर है आपका कंप्लीट कर लिया है, अब हम टेंपल आर्किटेक्चर की तरफ नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मूव करेंगे और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि टेंपल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं कि ये कंस्ट्रक्शन का हुआ कैसे, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट यहाँ से यही निकलेंगे कि टेंपल लोकेशन और बनाया किसने, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है तो वो। ठीक है, और कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर हम देखेंगे, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हिंदू टेंपल्स, क्योंकि यहाँ से टर्म निकाल के पूछे जा सकते हैं, जगति क्या है, वाहना क्या है, है ना, गर्भगृह क्या है, ये सब पूछ लिए जाएंगे, यहाँ से टेंपल उठाए जाते हैं। फिर नगारा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल और उसके रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, वो सब देखेंगे, तो ये फिर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।